हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो है क्लस्टरिंग के बारे में, जो कि अनसुपरवाइज लर्निंग का एक पार्ट है। ठीक है, सो क्लस्टरिंग इन मशीन लर्निंग, आई विल टेल यू, इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग मैथड। एंड सुपरवाइज लर्निंग मैथड इज अ मैथड इन विच वी ड्रॉ रेफरेंसेज फ्रॉम डेटा सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ इनपुट डेटा विदाउट लेबल्ड रेस्पॉन्सेज। जनरली इट इज यूज एज अ प्रोसेस टू फाइंड मीनिंगफुल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेनेटरी अंडरलाइंग प्रोसेसेस, जनरेटिव फीचर्स एंड ग्रुपिंग इनहेरियंट्स इन अ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स। लिख देता हूँ, जनरली जो ये यूज होता है वो एक मीनिंगफुल मीनिंगफुल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी अंडरलाइंग प्रोसेस, फिर जनरेटिव फीचर्स, लास्ट बट नॉट लिस्ट दिस इज ग्रुपिंग्स इनहेरियंट्स। ठीक है, इन सब के लिए ये ज्यादातर यूज होता है, ये जो प्रोसेस है। सो क्लस्टरिंग इज अ टास्क ऑफ डिवाइडिंग द पॉपुलेशन और डेटा पॉइंट्स इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स सच दैट पॉइंट डेटा पॉइंट्स इन द सेम ग्रुप्स आर मोर सिमिलर टू अदर डेटा पॉइंट्स इन द सेम ग्रुप एंड डिससिमिलर टू द डेटा पॉइंट्स इन अदर ग्रुप्स। इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी बिटवीन द। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। पिक्चर आपके लिए, ये पिक्चर देखिए। ठीक है, सो इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि द डेटा पॉइंट्स इन द ग्राफ बिलो क्लस्टर्ड टुगेदर कैन बी क्लासिफाइड इन टू वन सिंगल ग्रुप। वी कैन डिस्टिंग्विश द क्लस्टर्स एंड वी कैन आइडेंटिफाई दैट देर आर थ्री क्लस्टर्स इन द बिलो पिक्चर। ठीक है, 1, 2, 3 एंड दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इट इज नेसेसरी फ्रॉम क्लस्टर्स टू स्पेरिकल एज डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर दैट आई विल शो यू वन सेकेंड इन दिस पिक्चर। ओके, सो आई हैव वन मोर थिंग फॉर यू। सो डी बी एस सी ए एन, डी बी स्कैन, इसको कहते हैं अपन डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेशन विद नॉइस। क्या है ये? इसको अपन डीबी स्कैन भी बोलते हैं। दीज डेटा पॉइंट्स आर क्लस्टर्ड बाय यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट द डेटा पॉइंट्स लाइज विद इन द गिवन कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम द क्लस्टर सेंटर। सो जो मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी ना, एक सेकेंड, ये इसी फॉर्म में है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज व्हाई क्लस्टरिंग। क्वेश्चन वी हैव इज व्हाई क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग ही क्यों? क्लस्टरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट एज इट डिटरमाइंस द इंटरसेनिक ग्रुपिंग अमंग द अनलेबल्ड डेटा प्रेजेंट। वो इंटरसेनिक ही उन सबको एक साथ ले आता है। एक एक एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूंगा। मान लीजिए अपने पास में कुछ फोन है, ठीक है, कुछ कीपैड वाले हैं, कुछ नॉन कीपैड वाले हैं। हमने उनको मतलब लेबलाइज नहीं कर रखा। अब हमारे पास है फीचर आए, सबके अंदर एक फैक्टर था स्क्रीन टच वाला फीचर।
फ्रंट कैमरा, जो स्क्रीन साइज थी वो भी ज्यादा थी, साइज ऑफ स्क्रीन वो भी ज्यादा थी भाई। इसके फीचर थे कीपैड, स्क्रीन साइज थी रिलेटिवली स्मॉल थी, साइज लार्ज है, साइज ऑफ स्क्रीन इज लार्ज, इस तरीके से यहाँ पे स्मॉल, नो फ्रंट कैमरा। अब यहाँ पर जितने भी फोन थे वो डिवाइड हो गए दो क्लास में, एक तो इस स्मार्टफोन में और एक कीपैड वाले में, दो फोन में वो डिवाइड हो गए। ठीक है, ये कैसे हुआ? इंटरसनिक हुआ उनके फीचर्स के हिसाब से, कोई लेबल्ड नहीं था डेटा यहाँ पर। देर इज नो क्राइटेरिया फॉर गुड क्लस्टरिंग, गुड क्लस्टरिंग के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द यूजर एंड व्हाट क्राइटेरिया दे मे यूज विच सेटिस्फाई देयर नीड। फॉर इंस्टेंस, वी कुड बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग रिप्रेजेंटेटिव फॉर होमोजीनियस ग्रुप्स और आई कैन से डेटा रिडक्शन, फाइंडिंग नेचुरल क्लस्टर्स एंड डिस्क्राइबिंग देयर अननोन प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड नेचुरल डेटा टाइप्स। सो इन फाइंडिंग यूजफुल एंड सुटेबल ग्रुपिंग, यूजफुल डेटा क्लासेस, और इन फाइंडिंग अनयूजल डेटा ऑब्जेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड आउटलायर्स। दिस एल्गोरिदम मस्ट मेक सम अजम्पशन दैट कंस्टिट्यूट द सिमिलरिटी ऑफ पॉइंट्स, एंड ईच अजम्पशन मेक डिफरेंट एंड इक्वली वैलिड क्लस्टर। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस। सो देर आर क्लस्टरिंग मैथड्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग मैथड्स वी हैव। वॉट आर, फर्स्ट मैथड इज डेंसिटी बेस्ड, फर्स्ट इज डेंसिटी बेस्ड मैथड। दीज मैथड्स कंसिडर द्लस्टर एज द डेटा डेंस रीजन हैविंग सम सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेज फ्रॉम द लोअर डेंस रीजन ऑफ स्पेस। दीज मैथड्स हैव गुड एक्यूरेसी एंड एबिलिटी टू मर्ज टू क्लस्टर्स, एग्जाम्पल डीबी स्कैन जो मैंने आपको ऊपर दिया, डीबी स्कैन हो गया, और एक है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स बोले तो ऑर्डरिंग पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। तो हमारे यहाँ पर इस मेथड के अंदर क्या करते हैं हम, डेंस एरिया हैविंग सम सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस फ्रॉम द लोअर डेंस रीजन ऑफ द स्पेस। सो जो डेंस एरिया है उसके अंदर कुछ तो सिमिलरिटीज हैं या डिफरेंसेस हैं अगर हम कंपेयर करें लोअर डेंस रीजन से। उसके अंदर गुड एक्यूरेसी है और एबिलिटी है कि वो मर्ज कर सके क्लस्टर्स। ठीक है, दूसरा है हायरार्किकल बेस्ड मेथड, हायरार्किकल बेस्ड मेथड। सो द क्लस्टर फॉर्म्ड इन दिस मेथड फॉर्म अ ट्री टाइप स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द हायरार्की। जो क्लस्टर इस मेथड में बनते हैं वो ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, किससे? हायरार्की से। इससे न्यू क्लस्टर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द प्रीवियसली फॉर्म्ड वन, इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ऑब्वियसली। एक तो हो गया एग्लोमेरेटिव, जिसको हम बॉटम अप भी बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, और एक है डिविजिव, डिवाइजिव, इसको हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। भाई ट्री बनाने के दो अप्रोचेज हैं, एक तो ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर। ठीक है, ये तो हो गया बाइनरी ट्री।
जो हम बनाते हैं बेसिकली। और एक होता है अपने पास में बी ट्री, भी ब्रांच ट्री भी बोलते हैं। तो उसके अंदर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, हर बार। सो एग्जाम्पल है इसका क्योर, CUR, क्योर। सो इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं, क्योर का मतलब है क्लस्टरिंग यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन। सो इसका मतलब हो गया आपका क्लस्टरिंग यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव। सो इट इज क्योर, क्यों नहीं, क्लस्टरिंग यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव। और नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव BIRCH, ब्रिज। ब्रिज भी बोलते हैं इसको, बैलेंस्ड बैलेंस्ड इटरेटिव रिड्यूसिंग क्लस्टरिंग एंड यूजिंग हायरार्कीज़। सो अपने पास में इसके दो एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, देखो यार, क्लस्टरिंग के दो मेथड्स हैं अपने पास में, एक तो डेंसिटी बेस्ड हो गया और एक हायरार्कल बेस्ड हो गया। हायरार्कल बेस्ड के अंदर दो तरीके हैं भाई। हायरार्की क्या होता है ना, एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर होती है, उसके हिसाब से हम क्या बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं। सो ट्री बनाने के दो तरीके होते हैं, तो बॉटम अप अप्रोच और एक टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। सो बॉटम अप अप्रोच को ही हम एग्लोमेट्रिक बोलते हैं और टॉप डाउन अप्रोच को हम डिविसिव अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। इसके दो एग्जाम्पल मैंने बता दी, क्योर एंड ब्रिज। क्योर हो गया क्लस्टरिंग यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव, और ब्रिज हो गया आपका बैलेंस्ड इटरेटिव रिड्यूसिंग क्लस्टरिंग एंड यूजिंग हायरार्कीज, ठीक है। और आगे भी इसके अगर मेथड्स देखें, और भी है वैसे, मतलब दो ही मेथड नहीं है, और भी मेथड है क्लस्टरिंग के। सो तीसरा जो मेथड है वो पार्टीशनिंग मेथड है, सॉरी, मेथड। इसके अंदर होता क्या है, दीज मेथड्स पार्टीशन दी ऑब्जेक्ट्स इनटू के क्लस्टर्स। ये जो मेथड्स हैं वो पार्टीशन करते हैं ऑब्जेक्ट्स को के क्लस्टर्स के अंदर, के क्लस्टर्स के अंदर मैं बोल देता हूँ। वो किसको पार्टीशन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को। एक ऑब्जेक्ट है, उसको पार्टीशन कर दिया के क्लस्टर्स के अंदर, एंड ईच पार्टीशन फॉर्म्स वन क्लस्टर। और हर एक जो पार्टीशन है वो एक क्लस्टर बना रहे हैं यहाँ पर। ये भी क्लस्टर है, ये भी क्लस्टर है, ये भी क्लस्टर है, ये भी क्लस्टर है, अप टू के अर्थ तक, ठीक है, वन से लेकर 2, 3 डॉट डॉट के अर्थ। दीज मेथड इज यूज टू ऑप्टिमाइज एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन सिमिलरिटी फंक्शन सच एज वेन द डिस्टेंस इज मच पैरामीटर, वेन डिस्टेंस इज सॉरी When when particular distance is major parameter, okay? So ये जो method है वो use होते हैं optimize कर रहे हैं हम कोई objective को, objective criterion को, जो कि एक similarity function है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो distance है वो major parameter है। Example के लिए आप k mean ले लो, या k mean ले लिया आपने, या फिर आपने ले लिया क्लैरन, ठीक है, क्लैरेंस ले लिया। तो क्लैरन क्या हो गया, क्लस्टरिंग लार्ज एप्लीकेशंस बेस्ड अपॉन रैंडमाइज्ड सर्च। बोलिए मेरे साथ, क्लस्टरिंग लार्ज एप्लीकेशन बेस्ड अपॉन रैंडमाइज्ड सर्च। क्लस्टरिंग लार्ज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन रैंडमाइज्ड सर्च, ओके। अब अगला जो अपना पास है वो है ग्रिड बेस्ड मेथड। ग्रिड बेस्ड मेथड, ग्रिड बेस्ड मेथड में क्या है, इन दिस मेथड द डेटा स्पेस इज फॉर्मुलेटेड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स। इसके अंदर जो डेटा स्पेस है वो फॉर्मुलेटेड किया जाता है फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स के अंदर, कुछ इस तरीके से। ये एक सेल है, दैट फॉर्म अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है।
ऑल द क्लस्टरिंग ऑपरेशंस डन ऑन दीज ग्रिड्स आर फास्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स. ये जो है वो फास्ट है, ठीक है, कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स जो हम ऊपर वाले में बात कर रहे थे. एग्जाम्पल के लिए हो गया स्टिंग, इसको हम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ग्रिड भी बोलते हैं. वेव क्लस्टर हो गया, क्लस्टर हो गया, क्लिक हो गया आपके पास में, क्लस्टरिंग इन क्वेस्ट करके हम बोलते हैं, बहुत है और भी है, ठीक है. सो दिस इज इट, दिस इज द टाइप ऑफ क्लस्टरिंग. सो आई होप आपको ये समझ में आया. अब डिस्कस कर लेते हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, जो हमने ऊपर में बात भी की थी कि के मीन जो पार्टीशन मेथड का एक पार्ट है, सो उसकी मैंने बात भी की थी. तो होता क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. इसका एक फोटो दिखा देता हूँ, फिर इसके ऊपर अपन बात करते हैं किस तरीके से काम करता है. सो मानिए कि इट इज द सिंपलेस्ट सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम दैट सॉल्व क्लस्टरिंग प्रॉब्लम. ऑल्सो के मीन एल्गोरिदम पार्टीशंस एंड ऑब्जर्वेशन इन टू के क्लस्टर्स वेयर ईच ऑब्जर्वेशन बिलोंग्स टू द क्लस्टर विद द नियरेस्ट मीन सर्विंग एज द प्रोटोटाइप ऑफ द क्लस्टर. अब आप ये समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ का इस पूरे इसका डेटा का मीन क्या है, कुछ सेंटर आएगा इसका, इसका ही मीन इसका सेंटर में आ जाए, इसका मीन इसके सेंटर में. अब आपका एक पॉइंट आया यहाँ पर, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो वो देखेंगे कि ये इस पर्टिकुलर के मीन के सबसे पास में है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से इसके पास में है या फिर इसके यहाँ से इसके पास में है. अगर जिसके जितने पास में हुई वो उस पर्टिकुलर उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्लस्टर के अंदर आ जाएगा, ठीक है. तो इसे कहते हैं के मीन एल्गोरिदम पार्टीशन. इसके अंदर एन ऑब्जर्वेशन इन टू एन क्लस्टर्स, एन जो ऑब्जर्वेशन है उसको हमने डिवाइड कर दिया एन क्लस्टर के क्लस्टर्स के अंदर, वेयर ईच ऑब्जर्वेशन बिलोंग्स टू द क्लस्टर विद द नियरेस्ट मीन सर्विंग एज अ प्रोटोटाइप ऑफ द क्लस्टर, ठीक है. सो एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टरिंग इन डिफरेंट फील्ड की मैं बात करूँ तो मार्केटिंग हो गया, बायोलॉजी हो गया, लाइब्रेरीज हो गया, और फिर बाद में इंश्योरेंस हो गया, सिटी प्लानिंग हो गई, अर्थक्वेक स्टडीज हो गई, इमेज प्रोसेसिंग, जेनेटिक्स, फाइनेंस, कस्टमर सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डायग्नोसिस, फ्रॉड डिटेक्शन, ट्रैफिक एनालिसिस, सोशल नेटवर्क एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी और स्पोर्ट्स एंड मैनी मोर, क्राइम एनालिसिस ऑल्सो. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम वेरी वेल. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.